हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का चैलेंज आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि अ 1 kg मास कैप्ड ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ हाइट 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। स्प्रिंग इज फिक्स एट वन एंड फ्री एट 2 मीटर फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस एज शोन इन द फिगर। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस आर 0.2 and 0.5 respectively. If the block is released from the rest, then calculate the maximum compression in the spring. Sorry, string, spring. ठीक है? तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया गया है कि आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है आपकी, ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक। और इसके पास में यहां से 2 मीटर दूर एक स्प्रिंग है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 1 kg है, ठीक। यहाँ की हाइट जो है दैट इज 2 मीटर, ठीक। और यहाँ का जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.2, राइट। और यहाँ का जो कोफिशियंट फ्रिक्शन है इस सरफेस का वो है 0.5। इस स्प्रिंग कांस्टेंट की भी वैल्यू दी गई है आपको, के इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। अब आपसे बोला गया कि बताओ अगर ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज कर दिया जाए तो बताओ कितना कंप्रेशन। भाई जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ से इस तरह से आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, फिर मैं इस चैलेंज को सॉल्व कराता हूँ। आप एक काम करो, पहले इस वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, फिर देखना क्या आप वो गलती कर रहे हो जो मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है। पॉज करो, ट्राई किया। अब देखो ध्यान से, लोग जनरली गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 2 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी और यहाँ पे जब ये प्रेस करेगा करके तो इसकी इसमें जो नेट एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, एम जी एक्स को हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट करा देते हैं और वहाँ पे ना काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। इसको वास्तविकता में करना किस तरह से, इसको करना है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थियरम। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा वो लिखना है। टोटल फ्रिक्शन का वर्क इज इक्वल टू एनर्जीज का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे लग रहा होगा आपके पास एम जी यानी 10, अगर 10 इधर लग रहा होगा, ये एंगल सो दिया गया आपको उसमें 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री दिया गया। और जब ये 37 डिग्री है तो ये भी आपका 37 होगा, ये हो गया 10 cos 37 और ये हो गया 10 sin 37, ये हो गया 10 sin 37, ठीक। कॉस 37 था, साइन 37 वैल्यूज क्या होती है, साइन 37 की 3/5, 10 × 3/5 और इसकी 4/5, ठीक है, करेक्ट है, यानी 40/5 या 30/5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्शन का वर्कडन निकालना है। तो वर्कडन किस तरह से निकालेंगे, ऊपर कर लेते हैं इधर, वर्कडन बाई फ्रिक्शन। वर्कडन बाई फ्रिक्शन क्या होता है, वर्कडन बाई फ्रिक्शन पहले फोर्स देखो, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी या म्यू एन, सिंपल, ठीक है, म्यू एम जी नहीं म्यू एन, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको एस से लिख लो, ठीक है। तो म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, जितना हमारे पास इधर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल कितना है, 10 × 4/5 यानी 40/5, कितना है 40/5 इंटू इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है 2 cos 30, सॉरी ये आपका है cos, सॉरी साइन 37, साइन 37 इज इक्वल टू 2/, ये डिस्टेंस आपकी s है 2/s, तो s क्या आ गया 2/sin 37, करेक्ट है। साइन 37 की वैल्यू 3/5 यानी 2/3/5 इंटू 10/3, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 10/3। ये है यहां से यहां तक का वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। और आपसे बोला गया ये जो स्प्रिंग है यहां से 2 मीटर की दूरी पर है, यहां से ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से यहां तक भी जब ब्लॉक चलेगा 2 मीटर तो उसमें भी आपको फ्रिक्शन वर्क करेगा, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, मतलब सरफेस में फ्रिक्शन है, अर्थात उस फ्रिक्शन को इसमें जोड़ेंगे, इसको F1 S1 लिख लो प्लस F2 S2, ठीक
ठीक है, प्लस एफ टू क्या है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स कितना होगा, यहाँ तो डायरेक्ट एम जी हो जाएगा, जब यहाँ पे ब्लॉक आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट जो एम जी लग रहा होगा यानी टेन, तो टेन हो जाएगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है टू, करेक्ट है ये टोटल वर्क डन आ गया, इसको लिख लो यहाँ पर कितना, ये पाँच अट्ठे चालीस, ठीक है कितना बचा यहाँ पे 80/3 + 20, 80/3 देख लेना एक बार, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है 80/3 + 20 ठीक है इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये कंप्रेस करेगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, प्लस फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के पास में एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर के की वैल्यू क्या है 50 इंटू एक्स स्क्वायर, कंप्रेशन ही हमें निकालना है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर रखा हो तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर एम जी एच, तो प्लस एम, एम की वैल्यू 1 × 10 इंटू हाइट कितनी है 2, करेक्ट है सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास जाएगा 20 × 60 और 8 × 6 = 140/3 इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा हाफ 50 × 25 x² 25 x² माइनस ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 × 20 ठीक है माइनस 20, जब इसको इधर भेजेंगे क्या जाएगा 25 x² इज इक्वल टू 140/3 + 20 ठीक है सॉल्व कर लो इसको, क्या जाएगा 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 20 × 60 × 40 200 × 3 25 x² 25 × 8 = 200 तो x की वैल्यू क्या आ गई √8/3 meter, यही इसका आंसर √8/3। तो अगर ये आपने क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी रखी, यहाँ पर एनर्जी रखी इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर देगा तो गड़बड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, ये आज का कॉन्सेप्ट है आपके पास कि जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम से जाना है ना कि एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा आप इनिशियल इक्वल टू फाइनल करोगे तो वहां पर आप नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है उसको छोड़ दोगे, क्या बात क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फटाफट से लाइक कर दो एक बार वीडियो को, फिर आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को नोट करो, अगर हो गया था तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।